जय हिंद दोस्तों। आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की वैकेंसी निकली हुई है और ये वैकेंसी ऑल इंडिया के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के एक्स सर्विसमैन भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन इसके फॉर्म भरे जाएंगे। बता दें, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और अप्लाई करने का भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अभी बात कर लेते हैं कौन सी पोस्ट निकली है, कितनी वैकेंसी है, कितनी सैलरी मिलेगी। सबसे पहले बता दें, क्लासिफिकेशन है ग्रुप सी की वैकेंसी है, नॉन गेस्टेड ग्रुप सी की वैकेंसी है। पे स्केल रहेगा, पे लेवल 7, 44,900 से 1,42,400 रुपए सैलरी रहेगी। तो बेसिक जो रहेगी स्टार्टिंग 44,900 रुपए। डीए रहेगा उसमें 46, जो कि 20,654 रुपए इस समय मिल रहा है। स्पेशल अलाउंस 8,980 रुपए मिलेगा। इस बेसिक पर 20% बेसिक का मिलता है। एचआरए 9 से 27% जो दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार वो दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3,600 रुपए मिलेगा, प्लस गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन एनपीएस के तहत आपका 10% जो एनपीएस कटेगा उसमें 14% सरकार की तरफ से ऐड होगा, यानी कि 6,286 रुपए एनपीएस सरकार की तरफ से ऐड होगा। अभी बात कर लेते हैं, इसमें एनुअल इंक्रीमेंट लगेगा, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी और सीए का भी पैसा मिलेगा। तो ये इसमें फैसिलिटी है। इसमें बता दें टोटल वैकेंसी जो है अनरिजर्व के लिए 377 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 129 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 222 पोस्ट है, 222 पोस्ट है, एससी के लिए 134 पोस्ट है, एसटी के लिए 133 पोस्ट है। टोटल पोस्टें हैं 995, 995 पोस्ट है। इसमें ग्रेजुएशन होल्डर सभी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी से। इसमें बता दें कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। सेना की ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ग्रुप सी की पोस्ट में सेना की ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट वैलिड होती है। 18 से 27 साल जनरल कैंडिडेट जो है उनकी एज चाहिए। 5 साल एससी एसटी को छूट, 3 साल ओबीसी को छूट मिलेगी। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को 40 साल तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन को एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसमें अभी हम बात कर लेते हैं रिजर्वेशन की। तो एससी एसटी ओबीसी और एक्स सर्विसमैन का जो रिजर्वेशन होगा एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार दिया जाएगा। बता दें 10% एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार। तो अगर सुटेबल एक्स सर्विसमैन नहीं मिलेंगे तो ये वैकेंसी नॉन ईएसएम को दे दी जाएगी, फिल कर दी जाएगी। ईएसएम जो ऑलरेडी ग्रुप सी की पोस्ट में सर्विस कर रहे हैं, नौकरी पा चुके हैं, उनके लिए सिर्फ उनको एज की छूट दी जाएगी, बाकी उनको जो इसमें बाकी छूट नहीं दी जाएगी। तो ध्यान रखें जो भी एक्स सर्विसमैन जो नौकरी कर रहे हैं उनको एज रिलैक्सेशन ही मिलेगा। जो सर्विंग पर्सन है जो नौकरी कर रहे हैं और उनके वो रिटायर होने वाले हैं तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको एनओसी अपेंडिक्स 5 देना होगा। इसके लिए आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं एनओसी आपको देना होगा। अभी बात कर लेते हैं एग्जाम सिटी। अलग अलग राज्यों में अलग अलग एग्जाम सिटी, अपने राज्य का आप एग्जाम सिटी इसमें डाल सकते हैं। हर जगह की एग्जाम सिटी इसमें आ जाएगी। एग्जाम शेड्यूल क्या रहेगा बता दें, रिटर्न एग्जाम होगा। पहला तो टीयर वन का जो रिटर्न एग्जाम होगा 100 नंबर का मार्क के आएंगे, 1 घंटे में आपको करना होगा। करंट अफेयर, जनरल स्टडीज, मैथ, रीजनिंग, इसके बाद इंग्लिश, ये रहेगा 1/4, इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगी। टीयर टू में ऐसे लिखना होगा इंग्लिश में, ये इसमें दिया हुआ है, 50 मार्क का होगा, 1 घंटे का टाइम रहेगा। टीयर थ्री में इंटरव्यू होगा, यानी कि 3 एग्जाम होंगे, एक इंटरव्यू, एक ऐसे लिखना होगा इंग्लिश में और एक होगा आपका जो रिटर्न एग्जाम होगा ऑनलाइन। 100 मार्क का ये भी होगा इंटरव्यू, तो ये टोटल 250 मार्क का होगा। इसमें आपको 250 मार्क में कितने नंबर आने चाहिए इसमें दिए हुए हैं। मिनिमम अनरिजर्व के 35 मार्क आने चाहिए, ओबीसी के 34, एससी एसटी के 33, ईडब्ल्यूएस के 35। बता दें एक्स सर्विसमैन के कितने मार्क आने चाहिए, जिस कैटेगरी के एक्स सर्विसमैन है उतने ही मार्क आने चाहिए जो ये कैटेगरी दी हुई है। इसके बाद अभी इसमें कितनी फीस लगेगी इसके बारे में बात कर लेते हैं और बता दें कि इसमें जो इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे 25/11/2023 से 15/12/2023 तक इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। 15/12/2023 से पहले पहले आपको इसको भर लेना है फॉर्म। फॉर्म भरने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उसके थ्रू आप भर सकते हैं। और बता दें इसमें जो ऑनलाइन फीस लगेगी, ऑनलाइन फीस ऑल कैंडिडेट को 450 रुपए देनी है,
मेल कैंडिडेट अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए एग्जामिनेशन फीस अलग से 100 रुपए लगेगा और एक्स सर्विसमैन के लिए बता दें 100 रुपए फीस इसमें देनी होगी। जो भी एक्स सर्विसमैन इसमें अप्लाई कर रहे हैं वो उसमें अप्लाई कर ले, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, अप्लाई करने का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।